महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को नमन किया। कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी शामिल हुए। कोरोना काल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहली बार किसी राजकीय समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को मानकर आगे चलना है, नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है ताकि देश और दुनिया आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि बापू द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से सभी लोगों के बीच आपस में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे की भावना बनी रहेगी। नीतीश कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। अरे रुके ना, जयंती पे बोल रहे हैं। आकर सब लोग किसी बात को याद करते, सब लोगों को हमेशा उनके विचारों को भी सिर्फ उनको मान करके आगे चलना है, बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है ताकि देश आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े और सब लोगों में आपस में प्रेम और भाईचारे का सद्भावना का वातावरण